अभी जो आपने क्लिप देखी उसमें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खुलेआम पाकिस्तान के ही एक शहर में नारे लग रहे हैं, और ये नारे लगाने वाला व्यक्ति मंजूर पश्तीन है। मंजूर पश्तीन जो पठानों का हाल ही में बना एक युवा नेता है और जिसके काफी ज्यादा यूथ फॉलोअर बन चुके हैं। दोस्तों इस क्लिप में आपने देखा होगा कि ये सीधे सीधे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सीधा सीधा आतंकवादी कह रहे हैं, बोल रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कैप्टन है, कैप्टन मतलब इमरान खान, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बाजवा है, बाजवा जो करंट पाकिस्तानी आर्मी का जनरल बाजवा को कह रहे हैं। तो दोस्तों आप मंजूर पश्तीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मंजूर पश्तीन खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच का इलाका है, वहां पर जिसमें पाकिस्तान अपना कब्जा सिद्ध करे हुए है, वहां के रहने वाले हैं। दोस्तों मंजूर पश्तीन सिविल राइट्स की मांग कर रहे हैं। एक्चुअली में मंजूर पश्तीन का ताल्लुक पेशावर के पास फाटा से है, जहां पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं हर साल। यहाँ तक कि 70 साल में अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं तो इसी के आसपास के इलाके के मारे गए हैं। यहाँ पर घरों तक में इतनी ज्यादा बम गिराए गए हैं कि आज भी यहाँ पर बच्चे अगर खेलते हैं तो खेत में या ग्राउंड में कहीं गड्ढा करते हैं तो बम निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि मंजूर पश्तीन पठानों और पश्तूनों की आवाज बन चुके हैं और इनके काफी यूथ फॉलोअर हैं, और अब यह सीधे सीधे पाकिस्तान आर्मी को इस इलाके में जो 70 साल में मारे गए लोग या जो किडनैप किए गए या गुमशुदा लोग हैं उनका जिम्मेदार मानते हैं। मंजूर पश्तीन कहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सीधा सपोर्ट करता है और 70 साल से तालिबान को यहीं पे पनाह दिए हुए है और अमेरिका से पैसे लेता है, फिर यहाँ पर बम गिरवाता है और जिसमें काफी बेगुनाह पठानों पश्तूनों की जान चली जाती है, और पाकिस्तान कि सीधे सीधे इन्होंने बोला है पंजाबी आर्मी इसमें पैसा कमाती है। तो मंजूर पश्तीन का कहना है कि हमें इस आतंकवाद से मुक्ति। मंजूर पश्तीन को पाकिस्तान के लोग इंडिया का, एनडीएस का और अमेरिका का एजेंट बोलते हैं, जिसके बाद मंजूर पश्तीन ने उनको करारा जवाब दिया और उन्होंने बोला मेरे साथ जो भीड़ खड़ी है इतनी सारी, वो क्या इंडिया की हो सकती है। तो आगे आप ये वीडियो फिर से देखिए, स्लो मोशन में 3-4 बार सुनिए। क्रिकेट, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट की न्यूज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा।